अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे के गॉसस लॉ। एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से अगर कोई पॉइंट से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर हम मेजर करना चाहें तो हम गॉसस लॉ की मदद से कैसे कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि ये एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस हमारे पास मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी शीट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ चार्जेस मौजूद हैं, पूरे फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक हिस्सा दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारे पास चार्जेस मौजूद हैं। इवन ये जो आपको सिलेंडर नज़र आ रहा है इसके पीछे भी तमाम चार्जेस मौजूद हैं। अब हमें मेजर करना है कि इस पॉइंट पी पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ये पूरी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की पूरी शीट है और इस पॉइंट पर हम मेजर करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जो सारे चार्जेस हैं इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ये रेडिएट करेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, इनका डायरेक्शन भी ये इस तरफ होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो जो ये एरो शो कर रहा है लेफ्ट साइड की तरफ इस तरफ से बाहर जाएंगी। दूसरी साइड पे जो इसकी जो बैक साइड है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो उस तरफ जाएंगी, यहाँ पर एरो जैसे इंडिकेट कर रहा है। अब ये जो है हमारे पास पूरी शीट मौजूद है चार्जेस से, ये चार्जेस पूरे फैले हुए हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी होती है वो बराबर होती है चार्जेस ओवर एरिया के। अब ये हमारे पास पूरा एरिया दिया हुआ है, इस पे चार्जेस किस तरीके से फैले हुए हैं, कितने चार्जेस मौजूद हैं इस पूरे एरिया पे, वो हमें डिनोट करती है इलेक्ट्रिक डेंसिटी। और इलेक्ट्रिक डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, यानी हमारे पास अगर हम सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज ओवर ए है तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाती है सिग्मा इंटू एरिया की। अब जैसे हमें पता है कि गॉसस लॉ के हिसाब से जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर होता है 1/ε0 और चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। अब यहाँ पर सरफेस क्या है, सरफेस हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया यहाँ पर सिलेंडर की फॉर्म में। अब जैसे कि गॉसस लॉ बताता है कि हमारे पास कोई भी जो हमारे पास कोई सरफेस हो उसके अंदर जो चार्जेस मौजूद होते हैं वो उन चार्जेस के बराबर जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो हम एक आर्बिट्रेरी सरफेस की वजह से, हम रैंडम इमेजिनरी सरफेस की मदद से हम निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब यहाँ पर हमने सिलेंडर बनाया, इस पॉइंट पर हमें मेजर करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी जो हमारे पास सिलेंडर है उसकी जो ये ऊपर वाली साइड है और ये जो नीचे वाली साइड है उसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब यहाँ पर पैरेलल होगा तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल, क्योंकि सरफेस से जब गुजर ही नहीं रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर शीट की मदद से, जैसे शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जनरेट हो रही हैं वो क्रॉस कर रही हैं यहाँ पर सिलेंडर के इस वाले सरफेस को और इस दूसरे सरफेस को, यानी टू सरफेसेस हैं हमारे पास जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्रॉस कर रही हैं। तो हम ये दोनों सरफेसेस को कंसिडर करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है ई डॉट प्रोडक्ट ए की। तो जब हमारे पास दो सरफेस हैं तो हम इनको टोटल फ्लक्स जो हमारा आएगा वो इन दोनों सरफेसेस के बराबर आएगा, यानी हम दो सरफेसेस को कंसिडर करेंगे टू ओ इंटू ई इंटू ए, यानी हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बराबर होगा टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू एरिया के। अब गॉसस लॉ के हिसाब से हमारे पास जब हमने सब्स्टिट्यूट किया टोटल चार्ज को ओ सिग्मा इंटू ए से, जो हमारे पास यहाँ पर जैसे मैंने पहले समझाया था उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इससे, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है टू ई ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारे पास अगर टू दूसरी
अब जब हम टू को डिनोमिनेटर में लेकर चले जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट के। तो हम कोई इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मेजर कर रहे होते हैं। अब कॉसेस लॉ से रिलेटेड हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं। इसी के एप्लीकेशन है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि द टोटल आउटपुट फ्लक्स ओवर एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस फॉर डैश इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इन क्लोज डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन इरिस्पेक्टिव ऑफ द वे इन व्हिच द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी हमारे पास कोई स्फीयर हो या कोई शीट हो या कोई प्लेट्स हो, उसमें जो भी हमारे पास चार्ज होंगे वो एक हाइपोथेटिकल सरफेस से रिलेटेड जो है उसका जितना भी आउटपुट फ्लो होगा वो बराबर होता है। उस हाइपोथेटिकल सरफेस को क्या कहते हैं? उस हाइपोथेटिकल सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। मैं आप सब लोग को समझ आ गया होगा। शुक्रिया।